हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरीज। आज के इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, इसका नाम है एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड। अब ये जो एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड कंपनी है, एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, और इस वीडियो में एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड का पूरा जानकारी देंगे, साथ साथ एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड का जो शेयर है इसका एनालाइज करके बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज का इस स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड करता क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो कंपनी करता क्या है। तो देखिए, ये जो एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये बेसिकली पॉलीमर प्रोसेसिंग के ऊपर काम करता है। पॉलीमर प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ पर आपको समझना होगा, जो पॉलीथीन पैकेट वगैरह होता है उसका बहुत सारा जो है डिविजन देखने को मिलता है, जिसमें से ये एक डिविजन है। अब ये जो कंपनी है एक्सप्रो इंडिया, इसका जो पॉलीमर बिजनेस है, ये दो तरह का डिविडेंड्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक है बायएक्स डिविडेंड एंड दूसरा है कोर्स डिविडेंड्स। अब यहाँ पर जो बायएक्स डिविडेंड है, ये क्या मैन्युफैक्चर करता है और किस तरह के इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो बेसिकली ये फाइल्स एंड डी इलेक्ट्रिक्स फाइल्स इसके ऊपर मैन्युफैक्चर करता है, एंड इसका जो प्रोडक्ट है ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन लिंक, इसके अलावा फूड पैकिंग, स्पेशलाइज्ड फिल्म्स फॉर यूजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो प्रिंटर, लैमिनेशन, सिगरेट ओवर रैप, एडवांसिंग टेप्स, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है इसमें इसका जो है मटेरियल्स यूज होता है बेसिकली। दूसरा जो है वो है कोड डिवीजन, जिसमें ये मैन्युफैक्चर क्या क्या करता है, जैसे कि थर्मोफॉर्म हो गया, रेफ्रिजरेटर थर्मोफॉर्म जो होता है वो, इसके अलावा जो है बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो ये मैन्युफैक्चर करता है, और ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। और भी डीपली जानेंगे इसके बारे में, जैसे कि देखिए इस तरह का जो टेप वगैरह है ये मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, जो केक वगैरह आपको बेकरी में भी देखने को मिलता है, ये भी यहाँ पर जो है पैकिंग वगैरह होता है, इस तरह का जो पैकेट होता है यही मैन्युफैक्चर करता है बेसिकली। जो सिगरेट ओवर रैप जिसके बारे में बोला गया था, ये है, जैसे कि देख पा रहे जो पैकेट आता है इस तरह का, इसके ऊपर एक पतला सा फिल्म देखने को मिलता है जो इसके ऊपर रैप किया रहता है। इसके अलावा जो है जो मेडिसिन है, मेडिसिन का जो पैकेट इसमें यूज होता है, पाउच वगैरह हो गया, उसके साथ साथ जो है जितना भी थर्मल प्रोडक्ट होता है उसमें यूज होता है, ठीक है, टिश्यू पेपर में यूज होता है, तो इस तरह का जो है इसका प्रोडक्ट है, और बहुत ही बढ़िया सेक्टर में, इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। अगर बात कीजिए इस कंपनी का, तो इसका जो की पॉइंट है, कोर्स डिविजन से 76% का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब ये जो कोर्स डिविजन्स है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए रेफ्रिजरेटर में यूज होता है मेनली, इसके अलावा जो है ऑटोमोटिव पार्ट्स में यूज होता है, जो टायर वगैरह होता है, ठीक है, उसमें इसका प्रोडक्ट यूज होता है, ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है ये यूज होता है, और कुछ अच्छा खासा ब्रांड के साथ भी इसका टाइप है जहाँ पर इसका प्रोडक्ट ज़्यादातर सप्लाई करता है। और यहाँ से जो है, यानी कि कोर डिविजन से जो है 76% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, दूसरी तरफ बायोक्स डिविजन से जो है 24% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और जितना भी इसका प्रोडक्ट है ज़्यादातर आपके लेमिनेशन हो गया, फूड पैकिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गया, इस तरह का जो प्रोडक्ट्स वगैरह है यहाँ पर इसका प्रोडक्ट यूज होता है। अब इस कंपनी का अगर मैन्युफैक्चर की बात करें, तो तीन मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज है, जो दो है कोर्स डिविजन्स जो उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में, और एक है बायोस डिविजन जो आपका वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा अगर बात करें इस कंपनी का मार्केट कैप का, 1307 का इसका मार्केट कैप है, करंट प्राइस 734 है। अगर एक साल का हाई का बात करें तो 1160 का जो है हाई देखने को मिला है, एंड लो जो है 573 देखने को मिला है। स्टॉक पी जो है 20.5 है, एंड बुक वैल्यू 115 है। कंपनी डिविडेंड दिया है 0.18% का। आरओसीई आरओई दोनों ही देखिए पॉजिटिव में है, जो एक अच्छा साइन है। फेस वैल्यू 10 है कंपनी का। अगर डेथ का बात करें 44.7 है। रेवेन्यू जो है 186 है। डेट टू प्रॉफिट 0.99 है। कंपनी का जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1.77 है, और इसका रिटर्न का मामले में लेकिन एक बैड सिग्नल दिया है, नेगेटिव में है 6 मंथ का रिटर्न, -14.3%। इसका जो नेट प्रॉफिट क्वार्टर में है 116.1 है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट का बात करें तो -13.2 है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल का बात करें तो -16.1 है। तो इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल है
दो नहीं लेकिन नेगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ का अगर बात किया जाए तो 101 जो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। इसका जो सेल ग्रोथ है, जैसे कि आप देख पा रहे, इसका सेल ग्रोथ 17.2 है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट, इस कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल का फिगर ये लेकिन नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल ग्रोथ एक पॉजिटिव साइन दिया है। अर्निंग पर शेयर 36 है। वॉल्यूम का बात करें तो यहाँ पर लेकिन कंपनी के एक दिक्कत है, इसका वॉल्यूम 39,000 का वॉल्यूम है, तो यहाँ पर सेल में दिक्कत आ सकता है। करंट लाइबिलिटीज का बात करें 103 है, करंट एसिड का बात करें 114 है। तो लाइबिलिटीज से ज़्यादा इसके पास एसिड है, जो एक अच्छा साइन है। टोटल एसिड 332 है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो कंपनी, इसका फंडामेंटल अभी उतना स्ट्रांग नहीं है रिटर्न के मामले में, लेकिन इतना अच्छा खासा फिगर ये लाके नहीं दिया है, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी का पे आउट का बात किया जाए तो देखिए, कंपनी बीच में जो है इसका पे आउट बंद कर दिया था, लेकिन फिर से इसने पे आउट देना चालू किया है डिविडेंड में। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ जो है ये पॉजिटिव में है, इवन कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी इसमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर इस कंपनी का बात किया जाए तो गुड टाइम टू एंट्री जोन है, लेकिन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन ये है कि इसके ऊपर कोई सर्वेलेंस नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड ये जो कंपनी है एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, 713.25 का भी फिगर है, एक नेगेटिव साइन के साथ कंपनी जो है ट्रेड कर रहा है। ये जो एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड है, BSE NSE दोनों में ट्रेड होता है। BSE में 2479 का वॉल्यूम है, NSE में 21,116 का वॉल्यूम है। अगर डेली बेसिस पे टेक्निकल इंडिकेटर का बात करें तो वेरी बेरिश साइन दिया है। अगर वीकली का बात किया जाए तो वीकली का मामले में बेरिश साइन दिया है, एंड अगर मंथली का बात करें तो मंथली में लेकिन एक बुलिश साइन दिया है। फिर अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 49.43 जो है पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है, एंड प्रोमोटर के पास 15% का शेयर होल्डिंग है। अब जितना भी प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है उसमें से 15% जो है प्लेज है, जैसे कि देख पा रहे हैं, और 50.02 जो है यहाँ पर होल्डिंग है। तो यहाँ पर प्लेज भी है, जो एक नेगेटिव साइन है इस कंपनी का। रेवेन्यू का अगर बात किया जाए तो 2008 से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है, सबसे ज़्यादा इस साल में यानी कि 2022 में रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा अगर इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का बात करें तो जहां पर 2021 में 126 का सेल हुआ था, 2022 में 134 का सेल हुआ है, एंड यहां पर एक जो है अदर इनकम देखने को मिला है। अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट का बात किया जाए तो बैलेंस शीट के मामले में इसका जो शेयर कैपिटल है एक लेवल पे देखने को मिल रहा है, एंड कैश फ्लो का अगर बात किया जाए तो कैश फ्लो के मामले में जो है जहाँ पर एक नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव में भी देखने को मिल रहा है। फिर इस कंपनी का अगर कम्युनिटी स्टेटमेंट का बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 100% बाय के लिए ये रिकमेंड कर रहा है। फिर देखिए इसका अगर फाइनेंस का बात करें तो फाइनेंस के मामले में 9 में से 8 जो है नंबर देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंस में लेकिन कंपनी एक स्ट्रॉन्ग साइन दिया है, 9 में से 8 बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कंपनी का। अगर बात करें इसका चार्ट का तो चार्ट के मामले में देखिए, इस कंपनी का जो है ये लेवल है, अभी जो रिसेंट प्राइस है 711.05 का, ये प्राइस में भी ट्रेड हो रहा है। और अगर ये नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए RSI जो बोल रहे हो और डाउन आने का चांसेस इसमें है, जैसे कि यहाँ पर RSI का जो फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि और नीचे ये आ सकता है। तो ये अगर नीचे आया तो यहाँ पर एक इसका सपोर्ट है जो है 608, अगर उससे भी नीचे आता है तो यहाँ पर जो है दूसरा सपोर्ट देखने को मिलता है जो है 453, एंड इसके भी अगर RSI नीचे सिग्नल देता है और नीचे अगर ये सीओर आता है तो यहाँ पर जो और एक सपोर्ट है वो है 317। ओके, तो ये जो सपोर्ट है ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है अच्छे से समझने का कोशिश करें और RSI को भी फॉलो करें। अब अगर SWOT का बात करें तो यहाँ पर जो इस कंपनी का स्ट्रेंथ है वो 9 है। अगर वीकनेस का बात करें कंपनी में, लेकिन 2 वीकनेस है कंपनी में, कोई अपॉर्चुनिटीज ना ही कोई थ्रेट देखने को मिला है। फिर ये जो कंपनी है एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, इसका अगर मैक्स का बात किया जाए तो ये कंपनी अपना जर्नी 2004 में स्टार्ट किया था 25.60 रुपीस में। फिर जो है इसका प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिला, कभी कम प्राइस कभी ज़्यादा प्राइस, इवन 2020 में 14 रुपया तक इसका प्राइस देखने को मिला था, 14 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया। तो आप सोच लीजिए जी, ये कंपनी आपको 9-10 रुपये में भी देखने को मिला था, और इस टाइम में अगर कोई इस स्टॉक को परचेस करता तो आज का डेट में कम से कम ये कंपनी आपको 8,321% का जो है रिटर्न दे दिया होता।
तो फ्रेंड देखिए, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।